Hello and welcome to a very special conversation with champion, an Indian champion, Priyanshu Raja, who recently won the Orleans Masters 300, his first BWF World Tour Championship. Many congratulations, Priyanshu, and welcome to Rev Sports. And thank you for inviting me. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये टूर्नामेंट जीत के, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मेजर टाइटल है और मेरे करियर की बेस्ट विन भी है। तो ये जीत को मैं देखकर और चाहूंगा कि मैं और टूर्नामेंट्स ऐसे ही जीतूं और ये लेवल पे खेलते रहूं। तो ये जीत से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत आगे ये जीत का मैं देखता हूं कि मैं और टूर्नामेंट्स ऐसे ही जाके परफॉर्म करते रहूं। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। हर चैंपियन का एक स्टोरी होता है, सो टॉक टू मी अबाउट योर जर्नी। कैसा रहा शुरू से, कैसे शुरू हुआ है एंड फ्रॉम द स्टार्ट टिल द ऑरलियंस मास्टर्स, हाउ वाज इट? शुरू तो मतलब मेरा, जब मैं 6 साल का था तब मैंने बैडमिंटन को स्टार्ट किया था। मेरे भैया खेलते थे तो मैं उनको लेने जाता था, तो उनको तब मैं देखता था कि क्या है ये गेम, इनको देखता हूँ खेलते हुए। तो वो टाइम उनको देखते देखते मैंने भी सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ बैडमिंटन कैसा गेम है। तो फिर मैंने तब स्टार्ट किया, तब से फिर मैं 2 साल बाद गोपीचंद अकेडमी ग्वालियर ज्वाइन कर लिया था। फिर वहाँ से और ग्वालियर में मैं 1 साल खेला हूँ, फिर मैंने गोपी सर के साथ फिर आ गया था हैदराबाद में 2011 में। तो वो मतलब मेरे लिए बेस्ट टाइम था कि मैं वो टाइम पे हैदराबाद अकेडमी आ गया था सर के पास, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। तो अभी मैं तब से मतलब मुझे 12 साल हो चुके हैं गोपीचंद अकेडमी में। मतलब वो टाइम जो था और अभी का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं गोपी सर के साथ ट्रेन कर रहा हूँ और यहाँ पे सब बेस्ट कोचेज और सब प्लेयर्स हैं। वो जर्नी मेरे लिए बहुत ही बड़ी है। और फिर बीच में मैं थोड़े टूर्नामेंट जीता भी हूँ, फिर थॉमस कप जीते हम इंडिया के लिए, तो वो सबसे बड़ी इवेंट थी हम लोगों के लिए। वो टूर्नामेंट को देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ जाके, इतना सब बड़े बड़े प्लेयर्स को वहाँ पे देखा मैंने उनको खेलते हुए कि वो लोग क्या करते हैं और क्या क्या प्रिपेयर करते हैं मैचेस के लिए। हमारी टीम भी बहुत स्ट्रांग थी, 10 लोग थे हम, तो हमारी यूनिटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब सब 10 के 10 ऐसे थे कि भाई जैसे ही हैं, सब रियल ब्रदर्स हैं। तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से केयर भी करते थे, समझाते भी थे कि क्या करना है तुम्हें, क्या खेलना है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था थॉमस कप जीतने के बाद, और सब लोगों ने मुझे चांस भी दिया था ट्रॉफी उठाने का, तो मैं अपने टीममेट्स को भी थैंक यू बोलूंगा। फिर वो एक्सपीरियंस से मुझे बहुत सीखने को मिला, तो अभी मैं वही चीजों पर ध्यान देके, फिर ये टूर्नामेंट्स के पहले भी मैं श्रीकांत भैया, प्रणॉय भैया, इन सब के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उन लोगों को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन लोगों के साथ खेल के मुझे पता चलता है कि वो लेवल पे अगर बैडमिंटन खेलना है तो कैसे खेलना है और क्या करना है, क्या क्या अपनी बॉडी को करना है और क्या खाना है। ये मेरी जर्नी थी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब कर। और मैं सबसे ज्यादा मतलब ये जीत का अपना क्रेडिट गोपी सर को दूंगा, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरा हर चीज में और खिलाते भी बहुत हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ट्रेन करने में। Looking back into this tournament, the Orleans Masters, it has been, you have been phenomenal. Talk to me about it at the end, start of the tournament. तुम्हारे मन में था कि मैं ये टूर्नामेंट जाके जीत सकता हूँ। प्री क्वार्टर्स में तुमने केंटा निशिमोटो को हराया, दैट ही वाज अ टॉप प्लेयर। उस मैच के बाद कैसा लग रहा था? तो टॉक टू मी अबाउट दिस कंपटीशन शुरू से लेके अंत तक। ये टूर्नामेंट मतलब मैंने सोचा तो नहीं था मुझे मतलब मैं कि जीतूंगा करके, पर जब फर्स्ट राउंड से स्टार्ट हुआ था, किरण जॉर्ज के साथ मेरा फर्स्ट मैच था, वो भी मेरे साथ का ही है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उनके साथ खेलने के बाद मुझे थोड़ा वो जीत मिला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर थोड़ा ऐसा प्रेशर तो नहीं था कि केंटा निशिमोटो के साथ खेलना है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो हाईएस्ट सीड है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। बस मेरा ये मन में ये था कि मुझे अपना 100% देना है वहां पे जाके, बेस्ट खेलना है अपना। वो जीत या हार तो चलती रहती है, बस अपना 100% देना है, क्या होगा देख लेंगे। तो वो मैच मेरा जीतने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था कि अब मैं कुछ तो करूंगा ही, ऐसे मतलब छोड़ूंगा नहीं इसको, इतने अच्छे प्लेयर्स को मारने के बाद, केंटा निशिमोटो को हराने के बाद। बहुत मतलब मैंने फिर सोचा नहीं, फिर मैं एक एक स्टेप लेके ये सब सोचा था मैंने कि एक एक स्टेप एक एक राउंड का सोच के खेलना है, ज्यादा फाइनल्स का नहीं सोचना है सीधा। फिर वही मैच निकाला मैंने निशिमोटो वाला, तो मुझे बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर क्वार्टर हुआ मेरा चाइनीज ताइपाई के साथ, फिर सेमी मेरा आयरलैंड से था, फिर फाइनल्स में थोड़ा मतलब फर्स्ट गेम जीता, सेकंड गेम हारा, थोड़ा ऐसा डाउन हुआ था कि अब क्या होगा, मतलब थोड़ा डर लगा। फिर थर्ड गेम मैं लीड लिया फर्स्ट 7-1, फिर से क्लोज हुआ, फिर थोड़ा प्रेशर आया कि वो नहीं छोड़ रहा है,
फिर 11-9 का ब्रेक हुआ तब मैंने थोड़ा अपने कोच से बात किया अनिल सर से कि क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना गेम बस तू शटल अंदर रख, वो भी जल्दी करेगा क्योंकि बस तू ही जल्दी करके पॉइंट देगा, तो ऐसे नहीं है, उसको भी खेलने दे थोड़ा। तो बस वही चीज किया, उसको खेलने दिया, तो अब बहुत अच्छा खेला, तो बस ये मैच जीत गया था मैं, तो बहुत खुशी हुई। मतलब मुझे समझ भी नहीं आया कि सेलिब्रेट कैसे करना है, बस मैंने हाथ ऊपर किया और शो चिल्ला के खत्म कर दिया था। कैसे आता है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एज अ होल फॉर द एथलीट टू गो फॉरवर्ड। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब मुझे कभी मतलब मैच के पहले कभी भी प्रेशर तो रहता ही नहीं है, मैं बस अपना सोचता हूँ कि मुझे एंजॉय करना है मैच में, प्रेशर लेके क्या होगा, अगर प्रेशर लेके भी खेला तो हार ही जाएंगे अगर प्रेशर लिया, और नहीं भी लिया तो भी ऐसे खेल के हारना ही है अगर, तो क्यों सोचना है फालतू में ये चीज है। तो बस मैं अपना ये सोचता हूँ कि मुझे बस अंदर एक बार मैं अगर कोर्ट में घुस गया तो अपना 100% देना ही है, तो मेंटली मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि बस अपना 100% देना है, वो जीतना या हारना तो एक ना एक दिन सबकी लाइफ में होता ही है कि हारे तो हार गए या जीते तो जीत, तो वो चीज बस मैं ये सोचता हूँ कि अपने आप को प्रिपेयर रखूँ कि अगर हार रहा है तो उससे कुछ सीख के ही निकलना है वो हार को, और जीता तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस वो उसको मेंटेन करना है कि अगले टूर्नामेंट्स में भी ये सेम चीज अपने को करना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है कि ये टूर्नामेंट जीत गया तो नेक्स्ट में क्या होगा। ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि हार गया तो ठीक है सीख लेंगे, और जीत गया तो ज्यादा भी उड़ना नहीं चाहिए, सो बहुत ही बढ़िया है सोच आपका। और आगे चलते हुए व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, सुधीर मन का पारा, एशियन का पारा, हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग सीजन, कैसे प्रिपरेशन? अभी मैं बस अपनी प्रैक्टिस पे वापस आ गया हूँ, तो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि अभी एशियन गेम्स के ट्रायल्स है फिर से मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, तो वो ट्रायल्स में खेलूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं जीतूँ और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हूँ, और फिर उसके बाद मलेशिया मास्टर्स है, फिर थाईलैंड है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं वो टूर्नामेंट में भी अपना बेस्ट दूँ और जीतूँ, तो क्योंकि उससे भी मेरा रैंक इम्प्रूव होगा, तो मेरे फिर ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मुझे मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूँ ये टाइम, और अपने इंडिया कंट्री के लिए गोल्ड लेके आऊँ, क्योंकि मेन सिंगल्स में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई प्लेयर ऐसा गोल्ड लेके आया, तो मैं ट्राई करूँगा पूरा अपना बेस्ट कि मैं ओलंपिक क्वालिफाई करूँ और अपनी कंट्री के लिए गोल्ड लेके आऊँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड बिफोर वी एंड, आपने ओलंपिक की बात की, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शटलर्स हुए हैं जिन्होंने हमें ओलंपिक में मेडल दिया है, सो टॉक टू मी अबाउट अ रोल मॉडल दैट यू फॉलो, हु यू फॉलो एंड कौन आपकी हीरो है स्पोर्ट में? स्पोर्ट्स में मैं सबसे ज्यादा मतलब बैडमिंटन में पहले लिंडन को फॉलो करता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेरे, मैं उनको ही मानता हूँ, मतलब ज्यादा उनको ही देखता था उनके मैचेस क्या करता है वो, फिर अभी मैं गोपी सर को भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और फिर खेलने के उसमें श्रीकांत भैया को ज्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनका मेरा गेम स्टाइल थोड़ा सा सिमिलर है, तो मैं उनका गेम ज्यादा देखता हूँ कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं, तो बस ये चीजें देख देख के मैं थोड़ा सोचता हूँ कि बस लिंडन भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है 2 बार, तो बस मैं ट्राई करता हूँ कि उसके जैसा खेलूं। बहुत बढ़िया लगा प्रियांशु आपसे बात करके, अपने ओलंपिक्स के बाद की आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, वी होप यू get lots of success and bring lots of laurels for India, and we'll keep in touch. It was great to talk to you, and we hope you win more medals and we can interview aapse aur bhi zyada baat cheet hoga future mein. So that's all for now, thank you for joining. Thank you bhaiya, thank you.